नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 3 इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान के अंदर मां और बेटे का शव मिला। मां की उम्र 80 वर्ष और बेटे की उम्र 41 वर्ष बताई जा रही है। पड़ोसियों ने मकान के अंदर से बदबू आने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में एसीपी सुरेंद्र ने बताया कि पहले बेटे की, उसके बाद उसकी बुजुर्ग माँ की मौत हुई थी। मृतकों के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई चल रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि घर में माँ और बेटे ही रहते थे। बेटे का विवाह नहीं हुआ था, बेटा शराब पीने का आदी था। पड़ोसियों ने बताया कि घर से पिछले 2 दिनों से बदबू आ रही थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो माँ और बेटे का शव पड़ा मिला। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। एक महिला और एक युवक की जो है वो शव मिला है, क्या पूरा मामला? कल शाम को कंसर्न्ड आरडब्ल्यूए प्रधान की तरफ से हमारे पास चौकी में इन्फॉर्मेशन आई थी कि सेक्टर 3 में हाउस नंबर 899 में अंदर से बदबू आ रही है, तो इसको चेक किया जाए। वहाँ जाके पुलिस ने उसको चेक किया, अंदर से मकान बंद था। अंदर जाके चेक किया गया आरडब्ल्यूए के लोगों को साथ लेके, तो उसके बाद उसमें 2 डेड बॉडी मिली। एक लड़का है जिसका नाम तरुण है, उम्र करीबन 45 साल है, और एक उसकी मदर है 80-85 साल की वृद्ध महिला। दोनों की डेड बॉडी मकान के अंदर पड़ी हुई थी। लगभग कितने दिन से ये लोग थे और क्या प्रोफाइल था? ये दोनों माँ और बेटा ही रहते थे यहाँ पे अकेले, बाकी इनकी फैमिली बाहर रहती है। इनकी कोई सिस्टर बताई, वो दुबई वगैरह रहती है। तो अंदेशा ये है कि ये 3-4 दिन से दिन पहले से ही एक्सपायर हुए। क्या कारण है, किस तरीके से सुसाइड किया गया है या कुछ? ये तो अभी है ना, एफएसएल टीम ने विजिट किया है, पुलिस अधिकारियों ने विजिट किया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल रखवाई हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मौत का असल कारण क्या रहा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।